नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है निर्णय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, और मैं हूं आपका दोस्त विकास। चलिएगा, आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कि हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है आपका 8, और अभी तक जो हम लोगों ने इससे पहले 7 क्लासेस ले रखी हैं उस पर जो हमने बात की है वो आदिकाल से संबंधित तथ्यों वगैरह इन सब की चर्चा हमने लगातार कर रखी है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आदिकाल देखेंगे, और आदिकाल का नीचे आप देख रहे हैं सब हेडिंग पड़ी हुई है नामकरण, कि किस विद्वान ने, किस इतिहासकार ने आदिकाल का नामकरण क्या क्या किया है, इन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा आपसे करने वाले हैं। तो चलिएगा, बिना समय गंवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि आदिकाल का जो नामकरण किया गया है वो किस विद्वान ने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो मिस्र बंधुओं की चर्चा हम लोग करेंगे। आदिकाल का नामकरण, यहाँ पर हेडिंग जो बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, आदिकाल का नामकरण। अगर हम आदिकाल के नामकरण की चर्चा करते हैं, आदिकाल के नामकरण की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो आपकी बात आती है वो है मिस्र बंधु की। सबसे पहले किसकी बात आती है, मिस्र बंधु की, कि मिस्र बंधु ने आदिकाल को किस नाम से जाना है। तो मिस्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। अगर पूछा जाए कि आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है, तो मिस्र बंधु ने कहा था, मिस्र बंधुओं ने। दूसरा, गणपति चंद्र गुप्त की बात आती है। दूसरे जो हैं वो हैं गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने जो आदिकाल को कहा है प्रारंभिक काल या शून्यकाल कहा है। इन्होंने क्या कहा है, या तो इन्होंने इसको प्रारंभिक काल कह दिया है, या तो इसको इन्होंने क्या कहा है, शून्यकाल के नाम से भी आपके संबोधित किया जाता है। ठीक है, तीसरे जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगर हम शुक्ल जी की बात करते हैं तो इनका आपको पता ही है, इन्होंने क्या कहा है, शुक्ल जी ने आदिकाल या वीर गाथा काल, इन्होंने क्या कह दिया है, इन्होंने इसी का नामकरण क्या कर दिया, आदिकाल कह दिया, या इसी को इन्होंने वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है, आदिकाल या वीर गाथा काल कहा है। अगले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने जो कहा है वो बीजोपन काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है, बीजोपन काल, बीजोपन काल जो कहा है वो किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। छठे हैं राहुल, जो अगले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। पांचवें जो हैं राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, अगर हम राम कुमार वर्मा की बात करते हैं तो राम कुमार वर्मा ने संधिकाल या चारण काल कहा है। इन्होंने जो कहा है वो क्या कहा है, संधिकाल कहा, या इसी ने, इन्होंने क्या कहा है, चारण काल से कहा है। और ये जो शुरुआत के हम लोग लिख रहे हैं आदिकाल का नामकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूर्ण रूप से आपकी बनती है। ठीक है, छठा जो आपका आता है अगर नाम की बात करते हैं, राहुल संकृत्यायन, छठी जो बात आती है वो किसकी है, तो राहुल संकृत्यायन की बात करते हैं। अगर हम राहुल संकृत्यायन की बात करें तो राहुल संकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, इन्होंने जो कहा है वो क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल इन्होंने कहा है। इन्होंने क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है। सातवीं जो चर्चा करेंगे वो हम लोग देखेंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सातवें जो हैं वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है, वीर काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है, वीर काल कह के संबोधित किया है। अगर हम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है, आदिकाल को वीर काल के नाम से इन्होंने संबोधित कर रखा है। सातवें के बाद अगर हम आठवें की ओर चलते हैं और देखते हैं आठवें में क्या कहा गया है, तो आठवां जो नंबर आता है वो AHPD का आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आता है।
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है? आदिकाल। इन्होंने क्या कहा है? आदिकाल कहा है। अब देखिएगा, अभी पीछे भी हमने यहाँ पर एक और लिखा है, आदिकाल हमने शुक्ल जी को भी लिखा है। तो शुक्ल जी ने तो वैसे मुख्य रूप से जो कहा है वो वीर गाथा काल कहा है, लेकिन कहीं कहीं पर आदिकाल भी मिलता है। तो अगर आदिकाल पूछे तो सबसे पहले जो आप स्थान दीजिएगा वो किसको स्थान दीजिएगा? तो आदिकाल में आप AHPD को ही स्थान दीजिएगा। अगर AHPD न मिल जाए तो फिर आप मान लीजिएगा, नहीं तो जो आदिकाल कहने वाले हैं वो कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और जो वीर गाथा वाल कहने वाले हैं वीर गाथा काल वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके बनकर आते हैं ना। AHPD के बारे में हम बात करेंगे तो राम शंकर शुक्ल रसाल या रमा शंकर शुक्ल रसाल की अगर हम बात करते हैं तो रसाल जी ने जो कहा है वो जय काव्यकाल कहा है। उन्होंने क्या कहा? जय काव्यकाल। अगर ये कभी पूछता है कि जय काव्यकाल किसने कहा, तो रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा। दसवें नंबर पर आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, दसवें नंबर पर हैं बच्चन सिंह। इसके साथ साथ बात करें धीरेन वर्मा और गुलेरी जी की बात करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, तो इन्होंने अपभ्रंश काल, इन तीनों ने क्या कहा है? इन तीनों ने अपभ्रंश काल कहा है। अगर पूछा जाए तो इन तीनों ने जो आदिकाल को कहा है वो क्या कहा है? अपभ्रंश काल कह के इन तीनों ने संबोधित किया है। और जो ग्यारहवें नंबर में आते हैं ग्रियर्सन आते हैं, किसका नाम आता है? ग्रियर्सन की बात करते हैं तो आपको पता है कि ग्रियर्सन ने आदिकाल को जो नाम दिया है वो चारण काल कहा है। ग्रियर्सन ने क्या कहा है तो आप बताओगे? इन्होंने चारण काल कहा है। ग्रियर्सन के नाथ बाद जो आता है पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। अगर हम इनकी बात करते हैं पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ की, तो अंधकार काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है तो आप बताओगे? अंधकार काल कहा है। इसके साथ साथ 13 नंबर पर अगर हम बात करते हैं राम खिलावन पांडे, ये आपको जल्दी से मिलेंगे नहीं नाम, राम खिलावन पांडे की अगर हम बात करते हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा की बात करें तो इन्होंने संक्रमण काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है? संक्रमण काल कह के संबोधित किया है। इसके साथ साथ मोहन अवस्थी की अगर हम बात करें, किसकी? मोहन अवस्थी की बात करें या सुंदर राजे की बात करें, सुंदर नहीं सुमन राजे, या हम सुमन राजे की बात करें तो इन्होंने आधार काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है तो आप बताओगे? इन्होंने जो संबोधित किया है वो आधार काल कह के इन लोगों ने क्या किया है, इसको आपके संबोधित कर रखा है, याद रखिएगा ना। तो ये हमने 14 नंबर तक देख रखा है, और भी कुछ देख लेते हैं। इसके साथ साथ श्याम सुंदर दास की बात करें, 14 नंबर हो गया ना, 15 नंबर पर है श्याम सुंदर दास। अगर हम श्याम सुंदर दास की बात करें तो श्याम सुंदर दास जी ने वीर काल या अपभ्रंश काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है इसको? वीर काल, या इन्होंने इसको अपभ्रंश काल भी कहा है। क्या कहा है? इन्होंने भी इसको अपभ्रंश काल माना है। अगले हैं शैलेश जेदी। तो शैलेश जेदी ने आविर्भाव काल कहा। क्या कहा? आविर्भाव काल इन्होंने कहा, याद रखिएगा। राम प्रसाद मिश्रा,
राम प्रसाद मिश्रा, अगले जो हैं वो राम प्रसाद मिश्र जी हैं। राम प्रसाद मिश्र जी ने जो कहा है वो संक्रांति काल कहा है। उन्होंने क्या कहा है? संक्रांति काल कह के संबोधित किया है। वासुदेव सिंह, वासुदेव सिंह 18वें नंबर पर आते हैं और इन्होंने उद्भव काल कहा है। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? उद्भव काल कहा है। क्या कहा है? उद्भव काल। इसके साथ साथ देखा जाए शंभुनाथ सिंह 19 नंबर पर आते हैं। कौन? शंभुनाथ सिंह। अगर हम शंभुनाथ सिंह की बात करते हैं तो इन्होंने प्राचीन काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है? तो आपका जवाब होगा कि इन्होंने आदिकाल को एक नाम और दिया, इसको इन्होंने क्या कहा? प्राचीन काल कह के भी आपके संबोधित कर रखा है। और अंतिम में डॉक्टर हरीश आते हैं। डॉक्टर हरीश की अगर हम बात करें तो डॉक्टर हरीश ने उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। इसको उन्होंने क्या कहा है? उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। इसको डॉक्टर हरीश ने क्या कहा है? तो आपका जवाब होगा इन्होंने उत्तर अपभ्रंश काल कह के इसको क्या किया है? इन्होंने आपके संबोधित कर रखा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आदिकाल का जो नामकरण किया गया है, विभिन्न लोगों ने विभिन्न विभिन्न तरीकों से आदिकाल का नामकरण किया है। अब इसको एक बार शुरुआत से देख लीजिएगा। अगर देखा जाए तो मिश्र बंधु ने जो आदिकाल को कहा है वो आरंभिक काल कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को जो कहा है वो प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा है। शुक्ल जी ने आदिकाल को जो कहा है वो वीर गाथा काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल यहाँ से हटा ही दीजिएगा, कन्फ्यूजन वाली स्थिति क्यों आपसे मैं रखूँ, आदिकाल हटा दीजिएगा। इतना याद रखिएगा कि जो शुक्ल जी हैं उन्होंने वीर गाथा काल कहा है ना, यही मानकर चलिएगा। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है, जो आपका यह स्टेट में 2019 का पेपर था यूपी वाला, वहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा है या इसी को चारण काल कहा है। राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसी को किस नाम से संबोधित किया है? तो आप बताओगे इसको उन्होंने क्या माना है? वीर काल के नाम से उन्होंने संबोधित किया है। इसके साथ साथ देखा जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे तो उन्होंने इसको जो संबोधित किया है क्या कहा है? आदिकाल कह के संबोधित किया है। रमा शंकर शुक्ल रसाल की बात करेंगे तो उन्होंने जय काव्य काल कह के इसको संबोधित किया है। बच्चन सिंह धीरेन्द्र गुलेरी, यानी बच्चन सिंह की बात करें, धीरेन्द्र की बात करें या गुलेरी जी की बात करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, तो इन्होंने जो नाम दिया है वो अपभ्रंश काल दिया है। ग्रियर्सन महोदय, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने चारण काल के नाम से संबोधित किया है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ जी की बात करें तो उन्होंने कहा अंधकार काल आदिकाल को कहा है। राम खिलावन पांडे और डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा जी की बात करें तो इन्होंने जो आदिकाल का नामकरण किया है वो संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। मोहन अवस्थी सुमन राजे की बात करें, यानी मोहन अवस्थी और सुमन राजे, इन दोनों ने आदिकाल को जो नाम दिया है वो आधार काल के नाम से संबोधित किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं श्याम सुंदर दास की तो इन्होंने आदिकाल को वीर काल या भ्रंश काल कहा है। शैलेश जेदी की बात करें तो इन्होंने आविर्भाव काल कहा है। राम प्रसाद मिश्र की बात करें तो संक्रांति काल कहा है। वासुदेव सिंह की बात कहें तो उद्भव काल कहा है। शंभुनाथ सिंह की बात करें तो प्राचीन काल, और डॉक्टर हरीश की बात करें तो उत्तर अपभ्रंश काल के नाम से आपके संबोधित किया गया है। तो ये जो आदिकाल का नामकरण आपके सामने हमने रखा है, ये हमने 20 राइटरों को आपके क्या दिया है, स्थान इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इससे बाहर का कोई प्रश्न आपसे बनने की संभावना नहीं बनती है। जो भी प्रश्न आपके बनेंगे इसी के अंतर्गत ही आपसे पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपके आदिकाल के नामकरण से संबंधित एक भी प्रश्न आपका आने वाला नहीं है। तो यहाँ तक के आपकी जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे कि किस प्रकार से किस राइटर ने आदिकाल का नामकरण क्या क्या रखा है, क्या क्या नहीं रखा है। और आदिकाल के विशेष तथ्य अब हम लोग देखेंगे। आदिकाल के विशेष तथ्य आदिकाल से संबंधित जो विशेष तथ्य हैं उन विशेष तथ्यों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
वो क्या क्या बात कही गई है, तो उन बातों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ से देखिएगा, AHPD हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का आदिकाल है। देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेन के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। यानी जहाँ पर अपभ्रंश जो भाषा थी उसका जो बढ़ाव हुआ उसी को जो कह दिया गया, क्या कहा गया, आदिकाल के नाम से आपके संबोधित कर दिया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, AHPD ने, दूसरा पॉइंट देखिएगा, AHPD ने आदिकाल को अत्यधिक AHPD ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है, व्याघातों का युग कहा है। और तीसरा जो पॉइंट है, प्राकृत भाषा हिंदी का काल, ये बात किसने कही है, ये शुक्ल जी ने इस बात को कहा है। किसने कहा है, शुक्ल जी ने इस बात को कहा है, पुरानी हिंदी का काल। अगर आपसे कहा जाए कि पुरानी हिंदी का काल किसने कहा, पुरानी हिंदी का काल, तो पुरानी हिंदी का जो काल कहा गया है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये बात चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा इस बात को कहा गया है। पुरानी हिंदी का काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है ना। और एक पॉइंट दो पॉइंट देख लीजिएगा, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि एक पॉइंट और अंतिम लिखवा देता हूँ, थोड़ा सा ज़रूरी है ये, पांचवा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और ये जो वक्तव्य कहा है वो शुक्ल जी ने कहा है, पांचवा इन्होंने कहा है, क्या कहा है, आदिकाल का समय, इन्होंने क्या कहा कि आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। ये जो बात कही है वो किसने कही है, शुक्ल जी ने इस बात को कहा है। इस बात को कहने वाले कौन हैं, शुक्ल जी ने कहा है कि आदिकाल का समय
महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के जो समय है से कुछ पहले तक का जो समय है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, आदिकाल के नाम से। और ये बात किसने कही है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। ठीक है, तो ये थी आदिकाल से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। और अब जो हम लोग देखेंगे आदिकालीन साहित्य काव्य धाराएँ देखेंगे, तो उस समय कौन कौन सी काव्य धाराएँ आपकी आदिकाल में चल रही थी। अब हम आदिकाल के अंदर क्या हो चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं, और वहाँ से हम आदिकाल के बारे में और चीज़ों को क्या है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।